नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल्स में आर्टिकल्स एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आर्टिकल्स याद ही नहीं होता। यहाँ तक कि लॉ वाले स्टूडेंट को जो यहाँ पे लॉ पढ़ते हैं, जो LLB करते हैं, उनको भी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए एक बहुत अच्छी डिग्री, या तो आप कंटिन्यू रटते रहिए या तो उसको अंडरस्टैंडिंग समझ करके याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें से मैं जो चॉइस करूंगा समझ के याद करने वाला, क्योंकि समझ के याद करने वाला एक बहुत अच्छा ट्रिक है। इसमें आपको एक से दो बार में ही पूरी चीजें याद हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था, 22 के 22 मैंने पार्ट्स उसको कितने 14 मिनट में, शायद 14 मिनट का मेरा वीडियो था, उसमें मैंने पूरी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। अगर आप इस वीडियो को दो बार भी देख रहे हैं तो आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरे के पूरे 22 पार्ट याद हो रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल्स को हम किस तरह से याद करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत यादव है, डेन एवरीथिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के ऊपर, आर्टिकल्स को किस तरह से हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट आप पहले फोकस कीजिए, ग्राम पंचायत का संगठन। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का संगठन। तो ग्राम पंचायत का संगठन कौन से नंबर पे है, किस नंबर के आर्टिकल्स पे है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है RS। आप RSP के आप ग्राम पंचायत का संगठन कर रहे हैं। दोस्तों एक वर्ड याद रखिए, बहुत ज्यादा इमेजिन करना है, क्योंकि इसमें थ्योरी है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स ही है, इतना इजी नहीं होता है। और बहुत ज्यादा इमेजिन करने का मतलब है इसको स्ट्रॉन्ग इमेजिन करिए, ज्यादा इमेजिन करिए कि हाँ रियल में इस तरह से हो रहा है। आप आग बंद करिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब मैं बोलता हूँ तो आप आग बंद करके उस चीज को इमेजिन करिए। नहीं याद होगा तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, आपको तुरंत याद होगी। देखिए RSP के आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप RSP के आप ग्राम पंचायत का क्या कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का संगठन कर रहे हैं। क्या पी के कर रहे हैं, RSP के। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा और डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो प्लीज मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे पहले पिछले वीडियो को देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि किस तरह से इनको चीजों को समझना। आरएस क्या है उनको नहीं समझेगा, चाचा गम क्या है उनको नहीं समझेगा, बट जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए, जो नहीं देखे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पिछला वीडियो देख के आ जाइए, ठीक है। तो RSP के आप ग्राम पंचायत का संगठन कर रहे हैं, आग बंद करिए। RS का मतलब होता है 14, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 14, तो ये इसमें कितना आएगा, 14, ठीक है। R और S, तो 14 पे क्या है, ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट पे भारत का उपराष्ट्रपति पर सब लाइन मार रहे हैं, तो भारत का उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल्स कौन सा आर्टिकल्स है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल्स है, तो वो आर्टिकल्स है 52। कौन सा आर्टिकल है, 52। बट इसको याद कैसे करेंगे, बात नहीं याद करने की, तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का इमेजिन करिए, भारत का राष्ट्रपति पर सब क्या कर रहे हैं, लाइन मार रहे हैं। RSP के आप क्या कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का संगठन कर रहे हैं, लाइन किसमें मारा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति पे, ठीक है। तो लाइन मार रहे हैं तो 52। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति गम में रहता है, किसमें रहता है, बहुत ज्यादा वो गम में रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 और 3, जी से 6 और M से 3, यू का नहीं होगा, यू कट जाएगा, ये वॉवेल से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने हजारों बार वीडियो में बता दिया है। तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या रहता है, बहुत गम में रहता है, भारत के राष्ट्रपति पर क्या हो रहा है, लाइन मारा जा रहा है। RSP के आप क्या कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का संगठन कर रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पर लाइन मारा जा रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, गम में रहता है। तो इस तरह से आप एक पढ़ रहे हैं एक रिवाइज करिए, एक पढ़ रहे हैं एक रिवाइज करिए, तो फटाफट जाएंगे। आपके चाचा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कौन करता है निर्वाचन, आपके चाचा, किसका, उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कर रहा है, चाचा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल्स नंबर कौन सा है, 66। कैसे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, आपके चाचा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 66, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे तैसे राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जा रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये कौन सा आर्टिकल है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ कौन सा है, जैसे, जैसे को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 60, ठीक है, यहाँ पे 6 है, आई का कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एस से 0, ठीक है, ये वोवेल से ये सब कट जाएंगे, ए कट जाएगा, आई कट जाएगा, ई कट जाएगा, जे से 6 और एस से 0, ठीक है। तो जैसे तैसे राष्ट्रपति, जैसे तैसे वो तो नहीं रहता, बट फिर भी जैसे तैसे हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिला रहे हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ जैसे तैसे हो रहा है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जीप में शपथ ले रहे हैं, इनका तो हम जैसे तैसे करा दे रहे हैं, इनका क्या होगा, इनका उपराष्ट्रपति का शपथ हम कहाँ करा रहे हैं, जीप में करा रहे हैं, उपराष्ट्रपति का शपथ। तो
जीप का अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 6 9, ठीक है 69, पी से 9 और जे से 6। तो उपराष्ट्रपति का शपथ जीप में 69, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन सा आर्टिकल है 69, भारत का राष्ट्रपति पर लाइन माना जा रहा है, ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति गम में है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करता है चाचा करते हैं। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। उपराष्ट्रपति जीप में शपथ ले रहे हैं। भारत के महान्यायवादी के पास बहुत कैश है, तो ये आर्टिकल्स पूछा था एग्जाम में कि भारत के महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल्स है, तो कैश। कैश को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे जीरो, ठीक है, सी से 7, एस से 0, 17 आर्टिकल्स है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, संसद का गठन कब होगा, संसद का गठन कब होगा ऐसा आप पूछ रहे हैं कि संसद का गठन कब होगा, भाई बताओ कब होगा तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 79, ठीक है 79 का आर्टिकल कौन सा है, संसद का गठन कब होगा। नेक्स्ट, संसद लोकसभा की संरचना पार्टी लोग करते हैं, कौन करता है लोकसभा की संरचना, पार्टी लोग करते हैं। इमेजिन करिए, इमेजिन नहीं करेंगे सच बता रहा, कुछ नहीं समझेगा, आप बस वीडियो देख के चुपचाप कट कर देंगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर ये चीजें ला रहा हूँ तो प्लीज इस चीज का यूजफुल यूज करिए, आप यूज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप हमारे वीडियो को लाइक मत कीजिए, कमेंट मत करिए, चलेगा, बट आप इस चीज को यूज करिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जितने बच्चे यूज करेंगे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं मन करता तो मत करिए, ठीक है, चलेगा, बट आप चीजों को यूज करिए। लोकसभा की संरचना पार्टी लोग करते हैं, कौन करता है लोकसभा की संरचना, पार्टी लोग करते हैं। पार्टी को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, पैटी यहाँ पे 1 है, डबल टी है, डबल 1 नहीं लिखना है, ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं, अगर जो मेरा वीडियो प्रीवियस देख रहे हैं उनको पता है डबल टी एक ही बार लेना है, तो 81, ठीक है। तो लोकसभा की संरचना कौन करता है, पैटी लोग, तो लोकसभा की संरचना आर्टिकल्स नंबर कौन सा है 81, पैटी लोग करते हैं, ठीक है, लोकसभा की संरचना पैटी लोग। नेक्स्ट, संसद के सदनों की अवधि आर्टिकल नंबर कौन सा है, संसद के सदनों की अवधि कौन सी है, तो संसद की सदनों की अवधि एफएम में सुनाई जाती है, एफएम में, ठीक है, एफएम में कभी किसी की संसद की अवधि सुनाई जाती है कि इसके इतने साल है, इसकी इतनी साल है, एफएम में नहीं सुनाई जाती, बट यहाँ पे इमेजिन करना है किसमें सुनाई जाती है, एफएम में, तो ये एफएम में को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 83, ठीक है 83, संसद की सदनों की अवधि किसमें है, आर्टिकल नंबर 83। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण फीका पड़ गया, क्या पड़ गया फीका 87, फीका पड़ गया, ठीक है, क्या पड़ गया फीका, तो 8 और 7, यहाँ पे 8 ये दोनों कट जाएंगे और ये 87, तो राष्ट्रपति की जो विशेष अभिभाषण है वो क्या हो गया फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया, तो फीका से क्या हो जाएगा 87। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति वीआईपी होते हैं, क्या होते हैं वीआईपी होते हैं, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति क्या होते हैं वीआईपी होते हैं, तो वीआईपी को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 89, ठीक है 87 83 81, यहाँ पे देख रहे हैं आप आर्टिकल्स आ रहे हैं 89, ठीक है। तो राज्यसभा और सभापति, राज्यसभा आपको पता रहेगा और सभापति भी आपको पता रहेगा, तो राज्यसभा के ऊपर जो सभापति वहां रहता है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो होता है वो आर्टिकल्स नंबर 89 में लिखा हुआ है, ठीक है। आपका बीएफ संसद के सचिवालय, यहाँ पे संसद का सचिवालय, तो संसद का सचिवालय आर्टिकल नंबर, इसको ब्रेक करेंगे बीएफ को क्या होगा 98, ठीक है 20 से 9 और 8 98, ठीक है। तो आपका बीएफ संसद के सचिवालय में बैठा है, कहाँ बैठा है संसद के सचिवालय में बैठा है, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए कि आपका बीएफ कहाँ पे बैठा हुआ है, संसद के सचिवालय में, तो सचिवालय इसको बीएफ को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 98। संसदों सदस्यों द्वारा शपथ आपके पापा दिला रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इमेजिन करिए सदस्यों द्वारा शपथ, तो जो लोकसभा राज्यसभा में सदस्य होते हैं, हमारे राज्यों में जो विधान भवन है, विधानमंडल है, वहां पे जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिला रहा है, आपके पापा, कौन दिला रहा है आपके पापा, बट आर्टिकल नंबर क्या है, तो सदस्यों द्वारा शपथ आर्टिकल नंबर 99, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 99 आएगा, ठीक है, पापा को ब्रेक करेंगे तो 99, सदस्यों का शपथ द्वारा आर्टिकल नंबर 99। न्यायालय के नियम में ट्रायल चल रहा है, क्या चल रहा है ट्रायल चल रहा है, तो न्यायालय के नियम में क्या चल रहा है ट्रायल चल रहा है, ट्रायल को ब्रेक करेंगे तो 145, तो आर्टिकल नंबर 145 जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
145 न्यायालय के नियम में क्या चल रहा है, अभी ट्रायल चल रहा है, अभी हम डिसाइड करने करेंगे रियल वाला, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं। बट ट्रायल जिसे आप क्रिकेट खेलते तो बोलते हैं ना ट्रायल बॉल खेलेंगे, उसी तरह से अभी ट्रायल चल रहा है, किसमें, न्यायालय के नियम है, न्यायालय के नियम को ब्रेक करेंगे तो 1, 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों के राज्यपाल को तालीम तालीम देनी होती है, क्या देनी होती है, तालीम, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 153, ठीक है, राज्यपाल 1, 5 और 3, तो राज्यों के राज्यपाल को तालीम देनी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ऐसे एग्जाम में पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर क्या है, तो आप इमेजिन करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति दलाल करता है, कौन करता है, दलाल, दलाल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 155, तो 155, ठीक है, दलाल करता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियां, तो अनुसूचित जातियां आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि अनुसूचित जातियां जो होते हैं वो मर्द में आते हैं, किसमें आते हैं, मर्दों में आते हैं, मर्द में आते हैं, तो मर्द को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 34, ठीक है, 34 मर्द में आते हैं, सॉरी 1, लास्ट में 1 भी डी है, तो 341, तो किसमें आते हैं, अनुसूचित जातियां मर्द में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों को मरने से बचाना है, अनुसूचित जनजातियां यहाँ पे जातियां है, अनुसूचित जातियां यहाँ पे, अनुसूचित जनजातियां टोटल जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, यहाँ पे जन बढ़ा गया, तो अनुसूचित जनजातियों को मरने से बचाना है, तो मरने को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 342, ठीक है, 342, यहाँ पे 341 पे अनुसूचित जातियां मर्द में आते हैं और अनुसूचित जनजातियां को हमको मरने से बचाना है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि काफी लेट होता है, क्या होता है, काफी लेट होता है, लेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 51, ठीक है, 51 लेट होता है, ठीक है, 5 और 1, तो आपने देखा कितनी जल्दी याद हो गया, ये लगभग 10 मिनट लगे रहेंगे इसको 10 से 20 करने में, ठीक है, 1 मिनट में 2 याद हो रहे हैं, 1 मिनट में 2, और ये भी नहीं कि भूल जाएंगे, ये चीजें जल्दी भूलने वाली नहीं है, फटाफट याद होगा। अगर आपने मेरे क्यूब्स के वीडियो देखे हैं, पीरियड टेबल के वीडियो देखे हैं, बुक्स एंड ऑथर के वीडियो देखे हुए हैं, इन्वेंशन इन्वेंटर की वीडियो देखे हैं, तो आपको पता होगा कि चीजें जल्दी नहीं भूली जाती है, ठीक है, एक बार चीजें राइट ब्रेन में गई, और जो भूल जा रहे हैं ये मैं गारंटी लेता हूँ कि वो चीजें उनके राइट ब्रेन में नहीं जा रही है, और क्यों नहीं जा रही है, इसका रीजन ये है क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ चीजों को सुन रहे हैं, तो सुनना नहीं है दोस्तों, इमेजिन करना है, इमेजिन इज द बेस्ट तुम्हारे लिए रहेगा, जितनी ज्यादा इमेजिन करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको फटाफट राइट ब्रेन में जाने वाली है, इमेजिन नहीं कर रहे मतलब आप भूल जाएंगे, पक्का है आप भूल जाएंगे, ये भी मैं लिख के देता हूँ, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो आप नहीं भूलेंगे, ये भी मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे 20 हो गए, आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें हमको फटाफट याद रहे और हम भूले ना, ठीक है। चलिए, तो आप 2 मिनट के लिए पेन पेंसिल जो भी लिए रख दीजिए और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का संगठन कौन करता है, आप करते हैं, कैसे करते हैं, RSP के करते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पे क्या हो रहा है, लाइन मारा जा रहा है, तो 40 ये 52, भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, बहुत ज्यादा गम में है, किसमें है, गम में है, तो 63 आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कर रहा है, आपके चाचा जी कर रहे हैं, 66, और यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये कौन सा आर्टिकल है, तो राष्ट्रपति का शपथ जैसे तैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे तैसे को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 16। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ लिया जा रहा है, जीप में लिया जा रहा है, जीप को ब्रेक करेंगे, 69। भारत में महान्यायवादी के पास बहुत ज्यादा कैश है, क्या है, बहुत ज्यादा कैश है, कैश को ब्रेक करेंगे तो 17। संसद का गठन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन मैंने नहीं किया, एग्जाम में पूछ लेता है संसद का गठन कब होगा, आप ऐसा बोल रहे हैं कि संसद का गठन कब होगा। नेक्स्ट, लोकसभा का संरचना कौन करता है, 35 लोग करते हैं, लोकसभा की संरचना 35 लोग करते हैं, संसद का गठन देखिए, फटाफट आप अगर बोलेंगे सोचेंगे एक दो बार और वीडियो देख लीजिए, 2 से 3 बार आपने देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ याद हो जाएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिए, ठीक है, या फिर आप इन चीजों को लिख लेंगे एक बार तो और जल्दी याद हो जाएगा। लोकसभा की संरचना कौन करता है, 50 लोग करते हैं, 50 को ब्रेक करेंगे 81। संसद के सदनों की अवधि कहाँ बताई जाती है, संसद के सदनों की अवधि FM में बताई जाती है, 83। राष्ट्रपति का विशेष भाषण क्या हो गया, फीका पड़ गया तो ब्रेक करेंगे तो 87। राज्यपाल और सभापति और उपसभापति ये लोग क्या होते हैं, VIP होते हैं, VIP को ब्रेक करेंगे 89। और संसद के सचिवालय में कौन बैठा है,
आपका बीएफ बैठा है, संसद के सचिवालय। इमेजिन करिए, इमेजिन नहीं करेंगे भूल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। फिर भी आप इसीलिए बार बार बोल रहे हो ताकि आप जल्दी से जल्दी इमेजिन करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इमेजिन स्ट्रांग होगी चीजें उतनी जल्दी आपको याद रहेंगी और उतने ही टाइम तक याद रहेंगे। ठीक है, सदस्यों द्वारा शपथ, सदस्यों द्वारा शपथ आपके पापा दिला रहे हैं। सदस्यों को शपथ कौन दिला रहा है? जो सदस्य सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिला रहा है? आपके पापा दिला रहे हैं। न्यायालय का नियम, न्यायालय के नियम में अभी क्या चल रहा है? ट्रायल चल रहा है। ठीक है, कंफर्म बाद में करेंगे। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल को क्या तालीम तालीम देनी पड़ती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दलाल करता है। दलाल को ब्रेक करेंगे तो 155। ठीक है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां वाले कौन होते हैं? मर्द होते हैं। अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियों को हमको क्या करना है? मरने से बचाना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि काफी लेट होती है। क्या होती है? काफी लेट होती है, तो लेट को ब्रेक करेंगे तो 50 बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गए रिविजन 20। ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 15 मिनट लगा हुआ इस चीज को करने में। ठीक है, तो ये होगा 20। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, और जो चीजें नहीं समझ रही है या फिर ये ट्रिक से आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ और नया ट्रिक लाने की कोशिश करूंगा अगर आपने कमेंट किया तो। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा मेहनत करना करना पड़ रहा है तो करिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत ही, आप बिना मेहनत के लिए तो कोई चीज मिलती नहीं है, बट मेहनत को कम किया जा सकता है, ये वो ट्रिक है। अब इससे भी ज्यादा कम शायद ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए।